कल हम लोग बात कर रहे थे नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में, क्लियर। दो जीन का, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या निकला था हम लोग के पास कि दो डिफरेंट, क्या चीज़ बताए थे कि सेम क्रोमोजोम पे, जब लोकेशन का बात कर रहे थे लोकस का, तो एक ही लोकस पे दो डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर के बारे में इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो वो क्या बता रहे थे कि दो डिफरेंट कैरेक्टर का सेम पोजीशन से निकलने के बाद, ठीक है, जब उन लोगों का इंटरेक्शन हो रहा था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। क्यों नॉन एलेलिक, कहने का मतलब क्या है, एलेलिक हो गया कि सेम क्रोमोजोम के बीच में, और यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, दो डिफरेंट क्रोमोजोम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, क्लियर। तो जिसमें से सबसे पहले क्या निकला था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, फिर निकला था हम लोगों का सप्लीमेंट्री जीन, फिर निकला था एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को डिवाइड किए थे डोमिनेंट और एक रेसेसिव एपिस्टेसिस में, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया था हम लोग का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें क्या पढ़े थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा स्किन कलर का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल स्किन कलर जो होगा वो क्या चीज़ है, किस टाइप का इनहेरिटेंस शो करेगा, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। आज का टॉपिक था हम लोगों के पास, आ जाओ, आज का टॉपिक था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, देखो इसके बारे में एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, क्योंकि जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में, क्लियर। तो हम लोगों को पता है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा कहाँ पर है, कैरियन में, क्लियर। कैरियन बोले तो न्यूक्लियस में, और अदर देन न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का कौन सा सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल बताओ नाम, एक माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा था प्लास्टिड, क्लियर, जिसमें क्या आ रहा था, क्लोरोप्लास्ट। और दोनों का दोनों, एक पॉइंट और था, ये दोनों का दोनों सेल ऑर्गेनल डीएनए पोजेस करने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जो रेगुलरली पूछता है कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कौन होता है ना, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कौन होता है, और एक क्वेश्चन होता है कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कौन होता है। चलो डबल मेम्ब्रेनस में तो पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जैसे ही दिमाग में पूछेंगे क्वेश्चन कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल तो कौन होगा, राइबोसोम, ठीक है। तो अब यहाँ से ये बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है, मतलब इसके पास भी कोई कैरेक्टर है जो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेगा, क्लियर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर विच टेक्स प्लेस थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड दैट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल, क्या चीज बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जिसमें से दो तरह के एग्जाम्पल पढ़े थे तुम लोग को, बताए थे सेल्स वाला, क्लियर, जिसमें से क्या पढ़ रहे थे, क्वाइलिंग इन स्नेल, है ना, और एक और होता है कप्पा पार्टिकल के बारे में जानते हो, कप्पा पार्टिकल के बारे में जानते हो, कप्पा पार्टिकल पैरामेसियम में, ठीक है, पैरामेसियम। अच्छा एक बात बताओ, चलो पैरामेसियम का बताओ किंगडम कौन सा है, ये किंगडम कौन सा है, पैरामेसियम बोलो, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, पैरामेसियम हमारा किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा, और ये होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। और ये कप्पा पार्टिकल और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है, ठीक ना, क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है। तो प्रेजेंट और अब्सेंट पे इसका हमारा डिटरमिनेशन होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर का, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। चलो लिखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का स्टेटमेंट लिखो, इसमें लिखना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस,
हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, इसमें लिखो इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर्स हुज जीन्स आर प्रेजेंट, हुज जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय सी कॉरेंस, क्लियर, इन मिराबिलिस प्लांट। कैरेक्टर था लीफ, इसका कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो होगा लीफ ब्रांच कलर। क्लियर, वो डायग्राम कर लेना साइटोप्लाज्म वाला, क्या है ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, फिर इसके बाद ट्रांसमिशन पूरा प्रोसेस। आगे बढ़ा दोगे ना इसको, इसको बढ़ा लोगे ना आगे की कर दें। ये है कैरियन साइटोप्लाज्म, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है वो जो बताए थे, साइटोप्लाज्म में टीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल द साइटोप्लाज्मिक जीन ऑलवेज शो, ऑल द साइटोप्लाज्मिक जीन ऑलवेज शो मैटरनल इनहेरिटेंस, ऑलवेज शो मैटरनल इनहेरिटेंस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स ऑफ इनहेरिट इज क्या चीज बोला, मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या हो गया, पहला एक सेल ऑर्गेनल ट्रांस इनहेरिटेंस हो गया, पहला लिखना ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पहला लिख लेना ऑर्गेनेलर, ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, कौन सा ऑर्गेनेल से हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें लिखना ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दूसरा पॉइंट जाएगा डिस्कवर्ड, ये रहने दो, अकर्स ड्यू टू, अकर्स ड्यू टू सेल ऑर्गेनल्स, कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, प्लास्टिड में करना लीफ एंड ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, लीफ एंड ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, ठीक है, इसमें होगा मेल स्टेरिलिटी इन मेज, दूसरा बात करें एल्बिनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है, और उधर जाएगा प्लाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट।
क्लियर। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट लिखना प्री डिटर्मिनेशन। पहला हो गया ऑर्गेनलर इनहेरिटेंस, दूसरा कर लो प्री डिटर्मिनेशन। प्री डिटर्मिनेशन इसमें लिखना वेरी रेयर, इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस नो साइटोजिन्स आर इन्वॉल्व, नो साइटोजिन आर इन्वॉल्व एंड द कैरेक्टर्स इज ड्यू टू, एंड द कैरेक्टर इज ड्यू टू न्यूक्लियर जीन, एंड द कैरेक्टर इज ड्यू टू न्यूक्लियर जीन, दिस न्यूक्लियर जीन शोज, दिस न्यूक्लियर जीन शोज डिलेड एक्सप्रेशन, डिलेड एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट द एमआरएनए ऑफ जीनोटाइप, mRNA of genotype हो गया, mRNA of genotype of female parent, of female parent transfers through the zygote of, transfers through the zygote of next generation, zygote of next generation through the cytoplasm of female gamete, through the cytoplasm of female gamete where it forms characters in the offspring, characters in the offspring। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना मैटरनल एक्सप्रेशन इज, मैटरनल एक्सप्रेशन इज ऑब्जर्व्ड, एग्जांपल सेल क्वाइलिंग इन स्नेल्स, सेल क्वाइलिंग इन स्नेल्स, ठीक है। कैसे मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है, या फिर मैटरनल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व हो रहा था। अब देखो सेल क्वाइलिंग क्या चीज देख रहे थे, क्या बताया था, एक राइट हैंडेड होगा और एक लेफ्ट हैंडेड होगा। राइट हैंडेड को बोलेंगे क्या चीज बता, राइट हैंडेड को क्या बोल रहे थे, डेक्स्ट्रल, ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड को क्या बोल रहे थे, सिनिस्ट्रल। लेफ्ट हैंडेड सिनिस्ट्रल, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल डी से, ये हमारा है डोमिनेंट कैरेक्टर और ये है रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, क्लियर। और ये दोनों को दोनों कहां से आया बताओ तो, ये दोनों कहां से आ रहा है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहा है, ये न्यूक्लियर जीन से। चलो ठीक है, इसमें लिखना द फर्स्ट स्टेप ऑफ जायगोट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जायगोटिक, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जायगोटिक रिक्वायरमेंट इज ऑफ द प्रोडक्ट, इज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, क्या चीज, एमआरएनए आर इनहेरिटेड, mRNA आर इनहेरिटेड, ठीक है, mRNA आर इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल बोल रहे थे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम मदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोरा मॉडिफिकेशन,
ये सब देखो खाली कर लो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा डोरा मॉडिफिकेशन, ये है एग्जाम्पल किसका, इसमें चला जाएगा हम लोग का कप्पा पार्टिकल इन पैरामेसियम के बारे में। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना, इसके बाद इसके करना सिर्फ को डोरा मॉडिफिकेशन, इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस साइटोजीन्स एंड न्यूक्लियर जीन्स आर, साइटोजीन्स एंड न्यूक्लियर जीन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, आर डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड द कैरेक्टर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड द कैरेक्टर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर एनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्लियर, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक एग्जाम्पल कर लेना इसका, एग्जाम्पल कर लो सिग्मा पार्टिकल्स इन ड्रोसोफिला, नहीं एग्जाम्पल ये वाला छोड़ दो, लिखो कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामेशियम, कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामेशियम, इसके नीचे लिखना सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या है, अगर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो क्या बताए थे, वो टॉक्सिन होगा तो क्या बताएगा, किलर पैरामेशियम, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना इफ कप्पा पार्टिकल आर प्रेजेंट, इफ कप्पा पार्टिकल आर प्रेजेंट किलर पैरामेशियम, ठीक है, इफ कप्पा पार्टिकल आर प्रेजेंट किलर पैरामेशियम फॉर्म्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय विच इट कैन किल सेंसेटिव फॉर्म, फॉर्म्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय विच इट कैन किल फॉर्म्स, बाय विच इट कैन किल किल फॉर्म्स ब्रैकेट में इतना सेंसिटिव या फिर किल सेंसिटिव फॉर्म्स, इफ इतना इफ कप्पा पार्टिकल अब्सेंट, ठीक है, इफ कप्पा पार्टिकल अब्सेंट तो यहां पर कंडीशन क्या चाहिए होगा, सेंसिटिव पैरामेशियम, सेंसिटिव पैरामेशियम, क्लियर। इसके बाद कप्पा पार्टिकल्स आर सिंबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बात हो गया किस चीज का, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, ठीक है। ये उतना कहानी इसका पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ये पढ़ा दिए क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम लोग को हम बता रहे हैं वो है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन दिया गया था, कौन दिए थे ना साइंटिस्ट उसका, और उसका एक्सेप्शन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, क्लियर। तो हम लोगों को पता चल रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से बार बार रेगुलरली बोलते जा रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, क्लियर। किसके बेसिस पे हो रहा था वो भी आगे बढ़ते चले गए कि हाँ एक बार साइटोप्लाज्मिक हो रहा है, एक बार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो कैरी कर रहा है वो हमारा है जीन, ठीक है। और मल्टीपल जब हो रहा था तो जीनोम के थ्रू भी बढ़ रहे थे, क्लियर। उसको रिलेट भी तुम लोगों को करके बताएं कि कैसे वेरिएशन आ रहा था,
उस जीन में जो कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन से रिकॉम्बिनेशन को फॉर्म करते हुए, ये सारा बात हम तुमको बता चुके हैं। अब बारी है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था, ठीक है, और उसका मेन पर्पस क्या था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी मतलब कि जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर, वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी के बारे में अब लिखते हैं आगे स्टेटमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसका स्टेटमेंट लिख लो, इसमें लिखो गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, ठीक है। इसमें लिखो द गैमेट्स कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, गैमेट्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जेनरेशन, ठीक है, और इनसाइड द गैमेट, इनसाइड द गैमेट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनसाइड द गैमेट देयर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आर और फैक्टर शुड बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और फैक्टर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड द इन न्यूक्लियस मेंडेलियन फैक्टर शुड बी, इन न्यूक्लियस मेंडेलियन फैक्टर शुड बी, मेंडेलियन फैक्टर शुड बी प्रेजेंट ऑन, मेंडेलियन फैक्टर्स शुड बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम या फिर क्रोमोनिमा, शुड बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, डाइट कर दो क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर क्या बोल रहे थे, क्रोमैटिन, क्रोमोनिमा, ये सब कुछ बोल सकते, ठीक है, क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन ईच क्रोमोसोम सेवरल फैक्टर्स, इन ईच क्रोमोसोम सेवरल फैक्टर्स प्रेजेंट विच आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर, विच आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर, दे स्टडीड पैरेललिज्म बिटवीन, दे स्टडीड पैरेललिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर वर्सेस क्रोमोसोम, मेंडेलियन फैक्टर वर्सेस क्रोमोसोम, ठीक है। एक तरफ लिखना मेंडेलियन फैक्टर, यहां करेंगे मेंडेलियन फैक्टर, इधर कर दो क्रोमोसोम, इसमें लिखना मेंडेलियन फैक्टर में अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर्स, क्लियर। क्रोमोसोम में लिखो अकर्स इन होमोलोगस पेयर, अकर्स इन होमोलोगस पेयर, इसमें लिखेंगे सो सेग्रीगेशन, क्लियर, इसमें लिखेंगे सो डिसजंक्शन, ठीक है। थर्ड होगा सो असॉर्टमेंट, और उसमें लिखेंगे वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
ये गिवेन बाय सटन एंड बोवरी, ठीक है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन बोल रहे थे, टी एच मॉर्गन, क्लियर। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था इस बार भी वो क्या चीज था कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किया था, तो क्या चीज होगा आंसर इसका, टी एच मॉर्गन। तो लिखो दिस थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड बाय टी एच मॉर्गन। दिस थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड बाय टी एच मॉर्गन किसमें किया था, इन ड्रोसोफिला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो रीजन फॉर सेलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला। पहला पॉइंट, इजी टू कल्चर और इजी टू कल्चर ऑन फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंट बनाना। ले लो यहाँ पे, इजी टू कल्चर ऑन फ्रूट पल्प ऑफ राइपेंट बनाना। दूसरा पॉइंट, इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल कितना होता है, हाँ ठीक है, 2 सप्ताह, 2 वीक्स। ठीक है, थर्ड होगा प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट होगा इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसके बाद होगा देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल, क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल। एंड देयर आर लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4n = 8। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज के बारे में क्या बात करेंगे, लिंक्ड जीन, ठीक है, लिंक्ड जीन, और वो भी कौन दिए थे, टी एच मॉर्गन, क्लियर। तो चलो लिंकेज के बात कर लो, इसमें लिखना लिंकेज में, और इसका एक्सेप्शन क्या बता, ये किसका एक्सेप्शन है, बताए थे उसी टाइम बता दिए थे, बता वो क्वेश्चन पूछा था ना, क्या होगा किसका एक्सेप्शन है ये बोलो। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्यूरिटी ऑफ गैमेट, यही ना, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर एक एक पॉइंट देते, ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा था, जैसे मान लो एक कोई कैरेक्टर है, इसमें लीनियर लीनियर पे स्टडी करते हैं, क्लियर, ये है क्रोमोसोम और दूसरा है यहाँ पर ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब बोल रहा है कि इसके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्लियर, और इसके पास भी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्लियर। अब स्पेसिफिक कैरेक्टर में क्या क्या हो सकता था, एक डोमिनेंट हो सकता है और एक रेसेसिव हो सकता है, ठीक है, इसके पास भी जो होगा एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, है ना। अब हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट टाइम ही पढ़े थे, तो उसमें बोल रहे थे कि इन प्रेजेंस ऑफ टू कैरेक्टर, है ना, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो, अब है यहाँ पर एक डोमिनेंट और एक है रेसेसिव, तो इस केस में हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट, क्लियर, ये बात हो गया, क्या कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट। अब इसके बाद आगे पढ़ें क्या चीज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये पढ़ें कि चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं एक डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, लेकिन क्या ये वाला इसके एक्सप्रेशन के वजह से ये कहीं खो जाएगा क्या, नहीं खोएगा, खोएगा क्या,
कभी नहीं। तो इसके साथ ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना इज अनदर थिंग एंड ट्रांसमिशन इज द अनदर थिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, ये साथ साथ में ट्रांसमिशन करा होगा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, सेग्रेगेशन, है ना, जिसमें क्या बोल रहे थे कि कोई भी आदमी अपना पहचान नहीं खोएगा, मतलब क्या बोल रहे हैं, प्यूरिटी के बारे में बता रहा है, क्लियर। अब बोल रहे हैं कि जैसे ही आगे बढ़ोगे, मतलब दो कैरेक्टर जब लोगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो वहां पर कहानी ये हो रहा है कि ये जो चीज जो आपका है, ये बात भी और ये बात भी, दोनों को मिला करके ये बोल रहे थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपना दिखाएगा और रेसेसिव कैरेक्टर अपना दिखाएगा। हो सकता है कि इस जेनरेशन में ना दिखे, लेकिन उसके नेक्स्ट जेनरेशन में कंफर्म दिखाएगा, और हो सकता है उसमें भी ना दिखे तो आने वाला जेनरेशन में भी वो कभी भी दिखा सकता है। अब इसका मेन वजह क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मेन वजह देखो, हम लोग क्या बताए थे कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या होने वाला वहां पर, सिनेप्सिस का कंडीशन। सिनेप्सिस मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, क्लियर। अब देखो यहां पर है एक क्रोमोसोम और यहां पर है एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ लिंक करके जब ये यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर अगर मिलेगा ये कैरेक्टर और यहाँ पर ये मिलेगा, तो क्या एक ही कैरेक्टर लेकर जाएगा क्या, कतई नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसके साथ ये भी चला जाए और ये भी चला जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब यहाँ से क्या होने वाला है, टूटेगा बाद में, टूटेगा तभी ना, क्लियर। अब यहाँ से टूटा तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या बना रहा था, काइज़मेटा, ठीक है, और ये काइज़मेटा फिर कहाँ पे जा रहा था, टर्मिनलाइजेशन एंड पे, क्लियर। वो आगे बात कर रहा था कि मेटाफेज और फिर एनाफेज आने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो कैरेक्टर अलग हुआ, ये जो कैरेक्टर अलग हुआ, क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन लिंक्ड हो सकता है या नहीं, हो सकता है ना। तो यही बात है कि इट कैन बी लिंक्ड मोर देन वन जीन जो ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस हो रहा है। अब वो जरूरी नहीं कि वो डोमिनेंट हो या फिर रेसेसिव हो, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया, इतना बात क्लियर। तो इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किया था, टीएच मॉर्गन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लो लिंकेज के बारे में, इसमें लिखो मेजर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स, मेजर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय बैटसन, ठीक है, डिस्कवर डिटेल्ड स्टडी ऑफ, या फिर डिस्कवर डिटेल स्टडीड बाय टीएच मॉर्गन, क्लियर। इसके बाद यहां पर लिख लेना आगे, ठीक है, स्टडीड डायहाइब्रिड क्रॉस डिडेंट गेट रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल। अब यहां पर क्या किया, दो कैरेक्टर लिया, टू कैरेक्टर्स, पहला है फ्लावर कलर, और दूसरा है पोलन शेप। चलो फ्लावर कलर ले लेते हैं, ब्लू रेड, ब्लू हमारा होगा डोमिनेंट, क्या हुआ, और यहां पोलन कलर शेप हो जाएगा लॉन्ग शॉर्ट, यह है डोमिनेंट और यह है रेसेसिव। चलो अब क्रॉस करो ब्लू लॉन्ग के साथ और रेड शॉर्ट के साथ, ठीक है,
क्लियर। ब्लू लॉन्ग, यहां पर क्या हो गया, प्योर लाइन लेना, प्योर BBLL, और यहां पे ले लो BBLL, क्रॉस करो, क्रॉस करो। इसके बाद इस प्रोसेस के बाद क्या जाना, टेस्ट क्रॉस, ठीक ना। अब यहां पर आया क्या, फर्स्ट जनरेशन में L और L, अब इसका टेस्ट क्रॉस करो, टेस्ट क्रॉस फर्दर। टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्या करना होता है इधर बता। अगर इसको हमको टेस्ट क्रॉस करना, किसके साथ करना पड़ेगा, रेसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। चलो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करो आगे। ठीक है, चलो बताओ ये क्या है, ब्लू लॉन्ग, ठीक है। ये क्या है, ब्लू शॉर्ट। ये क्या है, रेड लॉन्ग, और ये क्या है, रेड शॉर्ट। क्लियर। रेशियो क्या आया हमारा, 1:1:1:1, ठीक है। ये आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग, तो ऑब्जर्वेशन में इसका वैल्यू रेशियो चेंज होकर क्या आ रहा था, 7:1:1:7, यही है एक्सेप्शन इसका, ठीक है। 7:1:1:7। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें लिखो, व्हेन द डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर, व्हेन द डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर कम्स फ्रॉम सेम पेरेंट, कम्स फ्रॉम सेम पेरेंट, देन दे रिमेन टुगेदर इन देन दे रिमेन टूगेदर इन फ्यूचर जेनरेशन, देन दे रिमेन टूगेदर इन फ्यूचर जेनरेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कपलिंग।
ठीक है, इसमें लिख लेना व्हेन द डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट में व्हेन द डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, ठीक है, दे ट्राई टू रिमेन सेपरेटेड इन, फ्यूचर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड रिपल्सन। ठीक है, क्लियर। इसे लिखना कपलिंग क्रॉस वन, चौथा हमारा अच्छा रहने दो इसको, इतना भी क्या डिटेल जाना। ठीक है, इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखना एज अ रिजल्ट ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर मच मोर देन न्यू कॉम्बिनेशन इन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है क्या। लेटर मॉर्गन एक्सप्लेन्ड कपलिंग एंड रिपल्सन आर द सेम थिंग कंबाइनिंग कॉल्ड लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली दोज जीन्स शोज लिंकेज, विच डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो लिंकेज थ्योरी। द टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट इन ग्रुप क्लियर टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड लिंकेज। क्लियर, इसके बाद लिखना द जीन शोइंग ग्रुप इनहेरिटेंस आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द जीन विच शो ग्रुप इनहेरिटेंस मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, इन लीनियर मैनर। कंडीशन याद रखना, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लीनियर मैनर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। नेक्स्ट लिखना
लिंकेज इज द ग्रुप ऑफ, लिंकेज इज द ग्रुप ऑफ नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन, लिंकेज आर द ग्रुप ऑफ नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। नेक्स्ट लिखो लिंकेज ग्रुप। इसमें लिखो ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम और ऑन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम और ऑन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम विल कंट्रीब्यूट वन लिंक्ड ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर क्या पता चला कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, क्लियर। तो एग्जांपल ऐसे पी का बताओ, पी में बात करेंगे तो 7, क्लियर। ड्रोसोफिला कितना नंबर, कितना होता है उसमें, 4 बताए थे ना, 4। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे 2 होगा, फीमेल और मेल की किस्म अलग होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें होगा 24 और इसमें होगा 23। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिंकेज ग्रुप इज अब्सोल्यूट, लिंकेज ग्रुप इज अब्सोल्यूट या फिर कंप्लीट कंप्लीट एंड इट कैन बी ब्रोकन बाय, कैसे होगा लिंकेज ग्रुप को तोड़ना है तो बोलो, एक ही पॉइंट तो बार बार बोल रहे हैं, कैसे होगा, बस वही लिखो, ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन पता है तो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, म्यूटेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ न्यू जीन या फिर न्यू फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, म्यूटेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस न्यू जीन और न्यू फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बट क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो लिंकेज स्ट्रेंथ जो बात करेंगे है ना, डिस्टेंस के केस में बताना, लिंकेज स्ट्रेंथ बता, डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस ज़्यादा तो या फिर डिस्टेंस कम, लिंक्ड जीन है ना, क्या होना चाहिए, इन्वर्सली या फिर डायरेक्टली, इन्वर्सली। ठीक है, लिख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, दूसरा टॉपिक कर देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। पहला डिस्टेंस बिटवीन जीन तो हो गया, क्लियर, समझ में आ गया नहीं कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है हेटरोक्रोमेटाइजेशन या फिर कॉम्पैक्ट, हेटरोक्रोमेटाइजेशन इंक्रीजेस, क्लियर, तो लिंकेज ग्रुप इंक्रीजेस
लिंकेज इंक्रीजेस, क्लियर, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेस, सॉरी क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेस, ऑपोजिट है ना, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेस, क्लियर। थर्ड कर लेना, फर्स्ट था, सेकेंड कर लो इसका, एज इंक्रीज होगा तो लिंकेज भी इंक्रीज करेगा और हमारा क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज, ठीक है। थर्ड में जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज तो जाएगा लिंकेज डिक्रीज और क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में बात। फिर है एक्सरेज इंक्रीजेस लिंकेज, ठीक है, इन लिंकेज इसमें होगा डिक्रीजेज क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज, ठीक है। फिर सेक्स लिंक में कर लो, सेक्स हेट्रोक्रोमेटाइजेशन। देखो जब क्रोमैटिन वहां पढ़ेगा तो दो तरह का होता है ना, एक हेट्रोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन, ठीक है। एक में क्या चीज होता है डार्क स्टेंट और एक में होता है लाइट स्टेंट, तो क्या है इसमें, हाँ तो और क्या है और अगर बात करेंगे इसके फॉर्म में तो हेट्रोक्रोमैटिन तो क्या चीज कर रहा है, हेट्रोगैमेट मतलब डिफरेंट टाइप का, यही होता है ना, क्या चीज कर रहे थे वहां पर, स्टेंट पे डिपेंड था, फुली स्टेंट पे था, एक लाइट और एक डार्क, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, रेगुलरली पूछा वहां से, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, क्रोमैटिन का, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि बता दे और भी अच्छे से डिटेल में, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट करो सेक्स लिंक में, सेक्स लिंक में करो, इसमें करना लिंकेज इंक्रीजेस क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेस, ठीक है, इसमें जाएगा लिंकेज इंक्रीजेज क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज, एक चीज देखा है, एक चीज ऑब्जर्व किया है, तुम लोग अगर एनालिसिस किया होगा तो एनसीईआरटी का जो उस साइड प्रेजेंट है, मतलब बुक ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है, इस साइड से ज्यादा जो उस साइड लिखा हुआ है वो रेगुलरली क्वेश्चन पूछता है ना, उधर से बहुत ऑब्जर्व करना देखना जैसे ऐसे ऐसे बुला दिखाते गजब गजब का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, जैसे कि इस साइड जो लिखा हुआ है ना, इस साइड वाला पेज में वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे इलेवंथ का हो चाहे ट्वेल्थ का हो, क्या क्या तिरंगा बात है, तो फेंक दे तुम इसको। अभी तक जितना चीज बताया ना, एक लिंकेज वाला ही था थोड़ा मोड़ा, उसमें उतना भी नहीं पूछता, सिर्फ वो पूछ रहा था कि कौन डिस्कवरी करता है, क्लियर। इसके बाद लिंकेज मैप और लिंकेज फ्रीक्वेंसी ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स, देखा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इन सीटू इधर लिखा हुआ है, ठीक ना, और देखना रेगुलरली क्वेश्चन एक्स सीटू से पूछेगा, उस साइड है कुछ कुछ है। चलो अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन्स, बकवास बकवास चीज करता था अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स इसमें लिखो, फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन, फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन, बरा इफ ए एंड बी आर लिंक्ड, इफ ए एंड बी आर लिंक्ड, क्लियर, यहां पे क्या होगा ए ए बी बी, इसका दो तरीके से, कैसे कैसे, ए और बी के साथ भी और
एक बार क्या हो जाएगा ए एंड बी के साथ भी, क्लियर। दूसरा में इसमें चारों कर लो, फिर ए और बी के साथ, ठीक है, ये तो हो गया, चलो ठीक है, ए और बी हो गया और ए और बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर लो इसी तरह से, यहाँ पर भी क्या जाएगा कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, ए बी तो एक ही चीज तो हो गया, ठीक है। इस केस को अलग अलग कर ले तो यहाँ पे यार ठीक है सही जा रहे हो तू लोग, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस और ये हो गया ए और बी प्लस बी प्लस ए, क्लियर। इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये क्या है प्लस क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, इसमें लिखना रिप्रेजेंट डोमिनेंट फॉर्म, रिप्रेजेंट डोमिनेंट फॉर्म, क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा अब ए बी क्रॉसिंग ओवर किसके साथ होगा, ए बी के साथ और ए बी के साथ एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इसका अरेंजमेंट सीस होगा और इसका ट्रांस, इस केस में जाएगा कपलिंग और इस केस में जाएगा रिपल्सन, ये हो गया जब हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगा तो, और अगर इन होमोजाइगस कंडीशन क्या होगा ए बी एंड एक बार ए बी, ये तो ये ए ए बी बी करेंट, ठीक है। सीरियसली क्रॉसिंग ऑफ रिवर अब पढ़ाएंगे तुम लोगों को, हट ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंकेज, हाँ ये वाला लो यार एनसीईआरटी से समझ लो, कहाँ गया लग? एक मिनट सॉरी यार मिटा के पूरा समझा देते, देख लो हमको लोग समझ में आया। देखो कपलिंग और रिपल्सन है ना, क्या बताए थे कि एक केस में सेम था, क्लियर, सेम जब हो रहा था तो क्या बोल रहे थे कपलिंग, और जब डिफरेंट पे बात कर रहे थे सेग्रीगेशन का तो क्या बोल रहे थे रिपल्सन, इतना बात याद पता है। अब देखो कंडीशन है हेट्रोजाइगस का, कंडीशन है हेट्रोजाइगस का, ठीक है क्लियर। अब यहां पे गैमेट निकालो, अब मान लो ये है हमारा क्रोमोसोम पूरा, चलो ठीक है इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां पर पोजिशन है डोमिनेंट का ए, क्लियर, और यहां पर है बी, किसी के साथ भी कोई भी कंबाइन कर सकता है, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ पर गैमेट कितने बनने वाला है, एक ए के साथ कैपिटल बी, क्लियर, और एक बार क्या ए के साथ स्मॉल बी, क्लियर, और दूसरा बार क्या है कि स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, क्लियर। अब देखो जब भी डोमिनेंट का केस लोगे, ठीक ना, मतलब वाइल्ड टाइप, ठीक ना, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वर्ड वो सुन लो, वाइल्ड टाइप, ठीक ना, उसमें क्या बोल रहा था कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और एक ये क्या हमारा ये रेसेसिव कैरेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा रेसेसिव कैरेक्टर, नहीं सॉरी डोमिनेंट कैरेक्टर, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या चीज हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर। अब देखो अब इसके साथ क्या लिंक्ड कर सकता है ना, ये किसके साथ लिंक्ड कर सकता है, अब पोजिशन किस पे चेंज करेगा, मान लो ए ए है, क्लियर, अब कॉम्बिनेशन जो हुआ इस तरह से, मान लो ये कट के निकल गया, ठीक है, तो इसके साथ कौन कंबाइन करेगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में जो प्रेजेंट होगा यहां पर, क्लियर। तो ये बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन हो सकता है प्लस से ये वाला कंडीशन हो जाए, क्लियर, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाए रेसेसिव के साथ अगर कंबाइन करेगा तो ये हो गया हमारा, ये किसके साथ लेके जुड़ा, हो सकता है बी के साथ हो जाए, या फिर ये है इसके साथ जुड़ जाए प्लस ए, ये भी हो सकता है कि नहीं, या फिर ए और बी, ए और बी, ये बस ये लिंक्ड जीन कहने का मतलब है कि सेपरेशन नहीं होना है ना, किसके साथ कौन मूव कर रहा है। तो ये दो तरीके से बोला था ना, एक कपलिंग और एक रिपल्सन में, क्या बोल रहा था कपलिंग के बारे में, जब बोल रहा था कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मेरा पेरेंट्स से आए वो कहीं और चला जाए, ठीक ना, मतलब दे ट्राई टू रिमेन टुगेदर ऑन नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर।
जितना भी मम्मी पापा का कैरेक्टर अगर कोई भी आया है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से, तो वो कतई नहीं चाहेगा कि क्या कर जाए, हमारा कैरेक्टर सेपरेट कर जाए। क्या हर कोई क्या चाहेगा कि मेरा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जाए, क्लियर। तो वो हो रहा था हमारा कपलिंग के केस में। और जब रिपल्सन का केस हो रहा था कि दो डिफरेंट लोगों के बीच में जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि कभी नहीं चाहेगा कि एक साथ हम रहें, ठीक है, तुम अपना रहो हम अपना रहेंगे। दैट यही है वहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन जो एनसीईआरटी में जो इस साइड जो डायग्राम दिया ना, प्लस टू वाइल्ड टाइप, ये सब जो है ना, देखो लाओ दिखा, हाँ वो वाला, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन इसी चीज़ को किया है, क्लियर, कि किसके साथ कौन पॉसिबिलिटीज बना सकता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, आप समझ में आ गया ना। एक ही चीज़ दिमाग में लाना कि लिंक्ड किसके साथ है और सेग्रीगेट कौन नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन नहीं कर रहा, समझ में आ गया ना बात, ठीक है। क्या छोटा मोटा बात, अब लिखो टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब देखो यहाँ टाइप्स ऑफ लिंकेज भी किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रोमोजोम पे जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि टोटल क्रोमोजोम हमारा 46 है, जिसमें से 22 पेयर क्या है ऑटोजोम है और 1 पेयर क्या है सेक्स लिंक्ड है। अगर लिंक्ड जीन हमारा सेक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट है तो सेक्स लिंकेज बनाएगा, क्लियर। और अगर हमारा किस पे ऑटोजोमल में प्रेजेंट है तो ऑटोजोमल लिंकेज बनाएगा। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कोई कैरेक्टर कंप्लीटली शो करे और कोई कैरेक्टर कंप्लीटली शो नहीं करे। जो कंप्लीटली लिंक्ड हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंकेज, और जो नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। चल लिखो टाइप्स ऑफ लिंकेज में। अब देखो ये होमोजाइगस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है क्या पॉसिबल, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं पॉसिबल है। चलो लिखो टाइप्स ऑफ लिंकेज, पहला कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इसमें लिखना वेरी रेयर, वेरी रेयर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेन क्रॉसिंग ओवर इज टोटली अब्सेंट, है ना, रिलेट करो, रिलेट करो, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जब क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है तो कंप्लीट लिंकेज ही शो करेगा। लिखो वेन क्रॉसिंग ओवर इज टोटली अब्सेंट बिटवीन एनी टू जीन, बिटवीन एनी टू जीन विच आर कंसिडर्ड फॉर स्टडी, एनी टू जीन। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वेल्ली पैरेंटल कॉम्बिनेशन, वेल्ली पैरेंटल कॉम्बिनेशन, इसमें ब्रैकेट 100% लिंकेज, वेल्ली पैरेंटल कॉम्बिनेशन 100% लिंकेज एंड नो न्यू कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग, एंड नो न्यू कॉम्बिनेशन इन ऑफ स्प्रिंग, 0% क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रेशियो ऑफ कंप्लीट लिंकेज इज फिक्स्ड, रेशियो ऑफ कंप्लीट लिंकेज इज फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट होगा 2n, 2n विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट लिंकेज, विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट लिंकेज बट कैन बी यूज्ड फॉर इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है, बट कैन बी यूज फॉर इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जीन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जीन, इफ ऑल द जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, इफ ऑल द जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, देन रिजल्ट विल बी मोनोहाइब्रिड, चलो क्वेश्चन लिखो।
ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इन अ प्लांट जीन ऑफ हाइट इज, इन अ प्लांट जीन ऑफ हाइट इज, हाइट जीन इज कंप्लीटली लिंक्ड, इन अ प्लांट जीन ऑफ हाइट इज कंप्लीटली लिंक्ड completely linked with flower color gene, with flower color gene, ठीक है। A pure tall and colored flower plant, pure tall and colored flower plant, pure tall and colored flowered plant is crossed with dwarf and white flowered plant, white and dwarf and white flowered plant, then find out the genotypic and phenotypic ratio, when F1 selfed, dusra when F1 crossed। क्वेश्चन समझ में आया या फिर से समझा दें? देखो दो जीन है, कौन है, एक हाइट है और एक फ्लावर कलर है, क्लियर। ये क्या है, दोनों कंप्लीटली लिंक्ड है, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, क्या चीज का, हाँ दूसरा केस था रिसेसिव कैरेक्टर वाला, एक ड्वार्फ है, क्लियर, एक ड्वार्फ है और क्या है वाइट, ठीक ना, ये रहा हमारा दूसरा केस, क्लियर। अब दोनों को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसके बाद बताना है कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, क्लियर। जब F1 को सेल्फिंग करेंगे और एक बार F1 को क्रॉस करेंगे, चलो करो। देखो ऐसे ले लो ना, टॉल के साथ क्या है, कलर्ड फ्लावर है, ठीक है, टॉल के साथ कलर्ड फ्लावर है, क्लियर। इसको किसके साथ करना है, क्या ड्वार्फ के साथ वाइट को करना है, ठीक है। अब करोगे ठीक है, अभी है क्या, देख लो दो क्रॉस है, मतलब क्या होना चाहिए, प्योर, तो पहला वर्ड यूज किया था ना, प्योर, हाँ प्योर टॉल है ना, प्योर टॉल है और फिर फ्लावर कलर, तो प्योर टॉल के लिए क्या चल जाएगा जी, ये जाएगा ना, है, और इसके लिए क्या जाएगा, ये जाएगा। अब इसका F1 जनरेशन क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल सी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से लिंक्ड जीन कौन सा है, अगर हम तुमसे सिर्फ पूछें कि इसका लिंक्ड जीन बताओ, एक बताओ क्या है ये, इसका लिंक्ड जीन होमोजाइगस का भी बताए थे तुम लोगों को हम, है ना, अभी देखो यहां से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसका लिंक्ड जीन बताओ कौन कौन है, बोलो इसका लिंक्ड जीन कौन है होमोजाइगस का, इसका लिंक्ड जीन ऑब्वियस से बात है, एक टी है और एक सी है, यही दो कैरेक्टर ना लिंक्ड है साथ में, है ना, और इसका क्या है, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल सी, क्लियर, यही था लिंकेज जो बता रहे थे तुमको। और इसके साथ क्या क्या है, इसके साथ एक कैपिटल टी कैपिटल सी, कैपिटल टी देखो यहां पर क्या क्या निकला, कैपिटल टी एक हो गया, एक लिंक हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल सी, ठीक है, इसके बाद क्या चीज हो गया, स्मॉल टी के साथ कैपिटल सी और एक स्मॉल टी के साथ स्मॉल सी, ये है लिंक, जो गैमेट है वही तो पहले ही बताए थे नंबर ऑफ। अब इसको क्या करो, सेल्फ करो और एक क्रॉस करो,
गया। क्रॉस मतलब क्या चीज होता है? क्रॉस पोलिनेशन का डेफिनेशन थोड़ा सा बताना तो। मतलब ला दो कोई भी एक अलग पॉइंट प्लांट से, है ना। अब देखो ये हो गया, इसके इसको अगर इसी के साथ करोगे तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको अगर इसके साथ भी करते हैं तो भी क्रॉस पोलिनेशन जा रहा है, और इसको इसके साथ भी करते हैं तो भी क्रॉस पोलिनेशन जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बता, रुक जाना, ठीक ना। अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या नाम देंगे? बता इसको, तो आउट क्रॉस किसको बोल रहे थे? आउट क्रॉस कुछ और था क्या? कुछ और हम गलत नहीं ना बोल रहे हैं? है? आउट क्रॉस कुछ और नहीं ना था? बैक क्रॉस को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। जब डोमिनेंट के साथ कर रहे थे तो आउट क्रॉस हो रहा था, और रेसेसिव के साथ कर रहे थे तो टेस्ट क्रॉस कर रहे थे। अब इसी को अगर चेंज कर देंगे मेल और फीमेल में तो क्या कंडीशन आता? रेसिप्रोकल क्रॉस, यही था ना। चलो टेस्ट क्रॉस का रेशियो तो सबको पता होगा, तब चलो नेक्स्ट हो गया होगा सबका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या हुआ? पूरा मौज कर रहे हो, पता यही करते थे हम लोग भी। सही बता रहा, हम लोग वेट करते थे, हर चीज का वेट करते थे। अच्छा लगता है। लेकिन लिखो, इफ ऑल द फोर जीन्स, अभी अभी मेरा दोस्त लोग है ना, परसों ही हम लोग गए थे यहाँ पे रिम्स में, है ठीक ना। उसका आया था 590, ठीक है। तो उसका हो गया था मतलब लास्ट में, क्योंकि उस साल का कट ऑफ लास्ट था 590 EWS से, ठीक है। तो अभी वो बोल रहा है कि जो तू पहले करता था अभी हम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, बस समझ जा, नहीं समझा तो फिर इसमें कोई गलती नहीं है। लिखो, बस समझा, मतलब जो अभी तुम लोग कर रहे हो ना वो हम पहले करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैं, और जो वो जो यहाँ पे मतलब जो पढ़ रहा है, समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पर या कहीं पर भी जो पढ़ रहा है वो मेडिकल कॉलेज में वो कर रहा है जो तुम अभी कर रहे हो। तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारा चॉइस है कहाँ करना है, बाकी सब ठीक है। लिखो, इफ ऑल द फोर जीन्स ऑफ अ प्लांट, सबसे सबसे बढ़िया मतलब वेट करते हैं कि कब हुआ बस। लिखो, इफ ऑल द फोर जीन्स ऑफ अ प्लांट विथ कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, और कैपिटल डी एंड कैपिटल डी, ठीक है। इसके बाद लिखना, आर कंप्लीटली लिंक्ड, आर कंप्लीटली लिंक्ड, देन राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन, देन राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स, जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन, बस राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन। चलो नेक्स्ट करो, इसका आंसर बताओ। ओके, बता।
शाबाश। इधर ठीक है, यहाँ पे करो। चलो ठीक है, क्लियर, शाबाश, ये होगा आंसर। छोड़ो, एक चार बनेगा टोटल। ठीक है, जिसमें से क्या लेते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन। हाँ तो ठीक है, चार बना दो, दो बार बना इसी तरह से कॉम्बिनेशन किसी के साथ, क्या हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, इनकम्प्लीट लिंकेज। ये सबका हो गया, ये वाला, ये पॉइंट सबको समझा, ये वाला समझे समझे। तो हम मतलब कौन बोलेगा, एक असिस्टेंट रख लो। ठीक है, चलो ये समझे नहीं। देखो इधर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल डी। चलो नंबर ऑफ गैमेट बताओ कितना बनेगा, नंबर ऑफ गैमेट फोर है ना, नंबर ऑफ गैमेट कितना फोर। अब ध्यान देना, जब भी कुछ लिंकेज ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ गैमेट कितना बन रहा है। ठीक है, क्लियर। और नंबर ऑफ गैमेट जितना उतना लिंकेज का फॉर्मेशन होना, ध्यान रख, हो गया बात बस। या और क्रोमोजोम के केस में जब पूछेगा तो ध्यान देना कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना प्रेजेंट है। क्लियर, तो यहां पर देखते हैं कॉम्बिनेशन। देखो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं। क्लियर, अब देखते हैं दूसरा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ठीक है, और फिर क्या, कैपिटल सी ले लेते हैं और एक कैपिटल डी, ये चेंज हुआ थोड़ा सा। इसके बाद कैपिटल ए के साथ ले लो कैपिटल बी और इस बार ले लेना स्मॉल सी और एक डी। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया। हाँ तो स्मॉल ए, स्मॉल ए है ही नहीं तो, हाँ ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी। चलो हो गया, अब नेक्स्ट लिखो इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें लिखो मोस्ट कॉमन, इसके बाद लिखना व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट बिटवीन, व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू जीन्स। ठीक है, तो क्या मैक्सिमम 50% क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना मोर पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड लेस न्यू कॉम्बिनेशन, मोर पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड लेस न्यू कॉम्बिनेशन। है, क्लियर। अब इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल लिख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर, ये किसके साथ प्रेजेंट होगा, ये होगा कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ या फिर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के साथ। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। क्लियर, तो यहाँ और यहाँ कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, नो क्रॉसिंग ओवर, और ये डायहाइब्रिड वाला क्या चाहिए हमारा है ना, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, न्यू कॉम्बिनेशन है तो ड्यू टू क्रॉसिंग पर। तुम लोग का टेस्ट सीरीज होता है क्या, कैसे पता चल रहा है यार, कैसे तैयारी चल रहा है।
हम करा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बायो में तो कंफर्म करवा देंगे। ले लें बायो में टेस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ले लें, ले लें। चलो हाँ डन, नेक्स्ट क्लास टेस्ट। कितना देर का, आधा घंटा दे दोगे? कितना बजे बोलो? यही टाइम में, मेरा क्लास के टाइम में, क्लास के टाइम में नहीं लेने देंगे। हाँ तो क्लास के टाइम में नहीं ना होगा, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड करना ना, फालतू फालतू पीछे मत पड़ जाना, ठीक है? टेस्ट हम ले लेंगे, ठीक है? टेस्ट तो कंफर्म ले लेंगे, नहीं तो वो डीपीपी जो दिए हैं उसको बनाओ, ठीक है? और 11th क्लास का हम तुम लोग को डॉक्टर अली का दिए हैं ना, अगर उसको बना रहे होगे तो बहुत बढ़िया है। 12th क्लास का भी अगर बोलोगे तो भेज देंगे, ठीक है? लेकिन 12th क्लास में ना वहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है? इसीलिए चलो, ठीक है, क्लियर? और जितना हो सके क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाओ। पढ़ने पढ़ते वक्त एनसीईआरटी पढ़ने का दो तरीका, एक पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, और एक तरीका है कि हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछने का, है ना? जैसे ही पढ़े उस लाइन से क्वेश्चन पूछो कि क्या अराइज हो रहा है, क्लियर? बस अपने आप ही बनेगा, काहे नहीं बनेगा यार। अब 600 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, 350 से नीचे लाओगे बायो में तो कैसे होगा? 150 से ऊपर स्टूडेंट तो 600 से मार्क्स यहाँ पे लाए झारखंड में, देखे ना लिस्ट तो तुम लोग देखे ही होगे झारखंड कंबाइंड का, तब देखना भी चाहिए, लिखो, ठीक है? नहीं तो देखो नोट्स लिखवा रहे हैं, गुड, ठीक है? तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या हमको अवॉइड करना है, नहीं पता होगा तो बता देना कि क्या अवॉइड करना है, हम बता देंगे, कंफर्म बता देंगे कि क्या क्या अवॉइड करना है, ठीक है? मैक्सिमम पता है तुम लोगों को, मैक्सिमम अगर जी इस बार का क्वेश्चन था 90 क्वेश्चन, जिसमें से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन था, समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। अब तुम सोचो कि एक क्वेश्चन था कि फाइबरस रूट का ओरिजिन कहाँ पर है, देख रहे हो? मतलब एनसीईआरटी का जस्ट मॉर्फोलॉजी का सेकेंड पेज इस साइड वाला, दूसरा से तीसरा लाइन, यही था ना? वो हर कोई इग्नोर करेगा कि क्या ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि फाइबरस रूट, अब इसके पास एडवेंटेटियस रूट क्वेश्चन पूछना भूल गया है, समझ रहे हो ना बात को? तो ये इस तरह से क्वेश्चन अराइज होगा, तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग से खुद बनेगा। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, एकदम रेगुलरली बोल रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ लो एकदम, माथा गाथा उथा कुछ नहीं होने वाला, जितना भी पढ़ाए ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सबको कॉम्प्लीमेंट्री ही रहने देना, रियली बता रहा है, कोशिश भी मत करना, ठीक है? इट्स गुड, लेकिन तुम लोग बीएससी तो करना है नहीं, रिसर्च तो करना है नहीं, है ना? रिसर्च करना तो नहीं ना है, बस एक कैसे हो करके कॉलेज क्वालिफाई करना है, इसके बाद रिसर्च करना, वहाँ पर एनाटॉमी पूरा, बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ना वहाँ, ठीक है? यहाँ पर हो गया मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन लेस न्यू कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंप्लीट लिंकेज इन, अच्छा ये हो गया, रहने दो इसको, हाँ ठीक है। इसके बाद कर लो, कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवर्म डजंट मीन दैट देर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर इन एनी जीन ऑफ द क्रोमोजोम But it actually means that crossing over will not take place in the gene which is considered to be studied. अब next पर लिखना, if 100% cell of an organism is crossed, then the condition of maximum crossing over occurs. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, when two gametes undergo crossing over in all the germinal cells, then still 50% gamete will be
देन स्टिल 50% गैमेट विल बी पेरेंटल टाइप एंड 50% विल बी रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्वेश्चन लिखो इसमें। लिखो इफ टू लिंक्ड जीन, हो गया इसमें लिखो इफ टू लिंक्ड जीन ए एंड बी क्लियर शोज 20% रिकॉम्बिनेशन 20% रिकॉम्बिनेशन देन एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस प्लस क्लियर यह है डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरियस गैमेट, प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरियस गैमेट्स, हो गया बन गया कॉम्बिनेशन, करो समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए और बी का रिकॉम्बिनेशन कितना है 20%, तो डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा क्या दिया हुआ प्लस प्लस, ये दो कैरेक्टर है और ये दो कैरेक्टर, ठीक है। इसका सबसे पहले गैमेट निकालो, तो क्या क्या गैमेट निकलेगा, प्लस ए के साथ ए आएगा, ठीक है, इसके साथ ए आएगा, क्लियर। कितना गैमेट निकला टोटल, अगर गैमेट बात करेंगे तो कितना निकलेगा, चार गैमेट निकलेगा ना भाई, क्लियर। इसके बाद अरेंज कर देना है क्या कि ए और बी जहां दिखेगा, मतलब कितना है टोटल 20% कॉम्बिनेशन, क्लियर। अब बचा कितना हम लोग के पास 80%, तो 80% में क्या बात करेंगे, वेरियस गैमेट का डिवीजन कर दो, किसके साथ कितना आ रहा है, कर देते हैं, ये रहा हमारा, ठीक है, इसको क्रॉस कर रहे हैं ए बी एंड ए बी के साथ, क्लियर। ये क्या चीज था, ये डोमिनेंट था ना, डोमिनेंट। चलो अब इसमें गैमेट बनाते हैं, इसका पहले प्लस से हो गया और ए और बी हो गया फर्स्ट जनरेशन, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या चीज किए, इसका गैमेट अगर बात करेंगे तो प्लस 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 ए प्लस बी, है ना, और फिर आएगा ए और बी, ये हो गया टोटल चार कॉम्बिनेशन, इससे कर लो, ठीक है। अब देखो ये हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्लियर। अब देखो प्लस ए और प्लस बी, ये कितना था हमारा, ये कितना दिया हुआ है, देखो ये कितना दिया हुआ है, ये भी हम लोग का पेरेंटल टाइप है, क्लियर। अब बोल रहा इंडिविजुअली जब बात करेंगे तो ये वाला है और एक है ये वाला, ठीक है, तो 20% और 20%, मतलब यहाँ पर जो टोटल होने वाला 100% में कितना, अकेले 40% ये होगा, क्लियर, और अकेले 40% ये होगा, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है 40%, ठीक ना, मतलब डाई हाइब्रिड का रेशियो कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस ए और बी मिला करके कितना होगा 20%, है ना, देख लो ना टोटल यहाँ पर जो ए और बी का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 20%, तो ये दोनों निकल जाएगा तो 20% फिर 10%, तो 10%,